मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हो, मगर उससे पहले कांग्रेस को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस के 4 जिलों में फर्जी मंडलम सेक्टर बन गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दरअसल सूबे के 4 जिलों में कांग्रेस के फर्जी मंडलम और सेक्टर मिले हैं। विदिशा, सीहोर, रायसेन और सागर में फर्जी मंडलम और सेक्टर निकले हैं। कांग्रेस कॉल सेंटर से आई कॉल को मंडलम और सेक्टर ने नहीं रिसीव किया था। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 12 जिलों के प्रभारियों को ये जानकारी दी है। कमलनाथ ने प्रभारियों से जिलों की संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में भी पूछा है। पीसीसी चीफ ने नए सिरे से मंडलम और सेक्टर गठित करने के निर्देश दिए हैं। हर विधानसभा में 25 से 30 मंडलम और 60 से 70 सेक्टर बनाए जाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मंडलम और सेक्टर गठित किए गए थे। लापरवाही बरतने पर प्रभारी और सह प्रभारी पर कार्रवाई भी होगी। बहरहाल फर्जी मंडलम और सेक्टर के मामले में कांग्रेस का तो बस यही कहना है कि ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी खामी है। ये फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी कर रही है जनता के साथ। जनता को योजनाएं बताती है, लाभ देती नहीं है, वोट मांगने का काम करती है। जिस तरह की बात कही जा रही है, फर्जी कुछ नहीं है। जो नियुक्तियां हुई हैं वो सब सही हुई हैं, लेकिन कई जगह पर निष्क्रिय हो गए हैं। जो संगठन का जो भी अंग निष्क्रिय हो जाता है उसको बदलने की हिदायत दी जाती है। माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि जिन जिन जिलों के अंदर मंडलम सेक्टर निष्क्रिय हैं तो उनको परिवर्तित किया जाए, उनमें नई नियुक्तियाँ की जाएँ ताकि उनमें ऊर्जा आए। वही मामले में विदिशा से विधायक शशांक भार्गव का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। और पेपर वालों ने छापा है कि फर्जी मंडल सेक्टर हैं। मेरा दावा है कि विदिशा विधानसभा में एक भी फर्जी मामला नहीं। जिले की बात जिलाध्यक्ष जी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि जिले में भी कोई भी मंडल सेक्टर फर्जी नहीं है। कांग्रेस चाहे जो भी कहे, लेकिन बीजेपी को तो बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक अच्छा मौका मिल गया है। दरअसल बीजेपी कांग्रेस को ही फर्जी बताने में जुटी हुई है। देखो, कमलनाथ जी अपने संगठन की बैठक में अक्सर कहते हैं कि हमें यदि किसी से डर है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। तो वो अपने संगठन को तथाकथित रूप से मजबूत करने की हड़बड़ाहट में ऐसे काम करते हैं फर्जी टाइप के। ये मंडलम जो आप कह रहे हैं वो नियुक्ति हुई है, फर्जी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे कांग्रेस का चरित्र ही फर्जी है इस समय। अब इस समय कांग्रेस जिस महायात्रा की तैयारी कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा, वही अपने आप में फर्जी है। मध्य प्रदेश में अगले ही साल यानी कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुकाबला कड़ा है, सामने बीजेपी है और कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी भी कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बीजेपी से पहले अपने ही लोगों से लड़ना होगा। कांग्रेस ने 4 जिलों में फर्जी मंडलम नियुक्तियां कर दी, जब खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बैठक के दौरान कॉल किया तो पता चला कि ये नंबर और नाम दोनों ही फर्जी है। हालांकि कांग्रेस इस फर्जीवाड़े को महज त्रुटि करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही फर्जी है। कुल मिलाकर मिशन 2023 जीतने के लिए कांग्रेस की लड़ाई तो बीजेपी से है, मगर फिलहाल कांग्रेस को कांग्रेस में ही लड़ना पड़ रहा है। वीडियो न्यूज सभा के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट, भोपाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्टिव मोड में है और यह यात्रा इसी महीने मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। अब इसी क्रम में कमलनाथ ने इंदौर के जाल सभा गृह भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली और इस दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर इंदौर में की गई तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठक में कमलनाथ के साथ प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे, जहां सभी ने एक स्वर में राहुल गांधी का जोरदार अभिनंदन करने और यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की बात कही है। ऐतिहासिक
ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी भारत जोड़ो की। भारत जोड़ो की यात्रा केवल राजनीतिक नहीं है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संविधान बचाने की यात्रा है और इससे हर कांग्रेस परिवार का सदस्यगण अपने दिल से जुड़ेगा। किसी पर दबाव नहीं है, किसी को हमने आदेश नहीं दिया, ये आज सब दिल की पुकार है और इसी से ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। राहुल गांधी की